जय श्री राधे दोस्तों, नए नए व्लॉग में आपका स्वागत है। आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, आज मेरी बहन द्वारा से वापस आने वाली है, उसको दिवाली की छुट्टियां पड़ी हैं। तो अभी जितने दिन नीतू घर में रहेगी उतने दिन नीतू के साथ बैक टू बैक बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेके आऊंगा। बस आप लोग अपना प्यार मत छोड़ना यार। जैसे ही मैं उठा मम्मी ने मेरे को सरप्राइज दे दिया कि नीतू आ जा रही है, सो आई एम सो हैप्पी। फिलहाल अंजन और नीतू मेरी हम उम्र गया, तो उनके साथ मेरा ना जो मजाक मस्ती है वो उस टाइप का है, लेकिन जो बाकी भाई बहन है वो बड़े हैं मेरे से, तो उनके साथ इतना ज्यादा ओपन बॉन्डिंग नहीं है। और उनकी शादी शुदी भी होगी, एक भाई तो पिछले 2-3 साल से बाहर ही रह रहा है दुबई में, तो बड़ा भाई आया था थोड़े टाइम पहले, लेकिन एक मंथ रुका, दोबारा से चला गया वापिस। अभी वो नेक्स्ट ईयर आएगा जब भी उसकी शादी वगैरह जो भी होगा। तय है क्या सीन है, शादी शुदी दिखानी है कि नहीं? और दिखानी नहीं। कब दिखानी है फिर, जल्दी जल्दी करो। तो समझो, तो हमारे घर वाले कुंडली कंडलियों पे बड़ा विश्वास रखते हैं, इसलिए भाई की शादी भी नहीं करवा रहे। बोलते हैं इतने साल में होगा रिश्ता, इतने साल में होगा ये होगा वो होगा, मुझे तो विश्वास नहीं है इन चीजों पे, लेकिन हाँ जब भगवान चाहेगा होगा तब। लव यू दीदी और भाइयों, लव यू सो मच, मिस यू सो मच। हे स्वीत्री पुत्री, कितने बजे आ रही है आपकी प्रिय पुत्री? नहीं बोला दोस्तों, सवित्री पुत्री मैंने इसलिए बोला मम्मी को। मैंने एक वीडियो देखी थी यार, उसमें बोला गया था कि पहले के समय में हमारा परिचय हमारी माता के नाम के थ्रू होता था। मैंने मम्मी को उनके माता के नाम के साथ बुलाया, आपको अच्छा नहीं लगा? हमें अपने कल्चर को फॉलो करना चाहिए ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन संस्कृति हमें ये भी बोलती है, हमारा सनातन हमें ये भी बोलता है कि मम्मी हमें अपनी माता के नाम के साथ नाम लेना चाहिए। नहीं एक्चुअली अपने कल्चर और अपने ओल्ड चीजों के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन ये व्लॉग मेरी बहन के लिए स्पेशल है, तो फिलहाल इस चीजों पे किसी और दिन बात करेंगे। तो क्या बना रही हो नीतू के लिए स्पेशल फिर? वाह यार नीतू, तेरे आने की खुशी में मम्मी ने बना दिया मटर पनीर। अपने व्यूअर को बता दो, हमारे घर में मटर पनीर तभी बनता है जब हम रिश्तेदार आते हैं, ऐसे तो मम्मी मेरे को कभी नहीं भेजती कि जा मटर पनीर लेके आ, दिखा के सच बोलना चाहिए। तो खाते थे ना उसके, अब जब पैसे खर्चने की बारी है तो मम्मी की जेब से निकल रहे पैसे हैं मटर पनीर के लिए मेरे लिए। तो सब्जी लेने था मम्मी ना, उसको निकली हुई है। मैं तो हरी सब्जी खाता ही नहीं। साग के साथ खाता हूँ। तो शाम पुत्री नीतू के लिए यहाँ पे सब्जी तैयार कर दी है। A few moments later, नीतू के साथ साथ एक दो दिनों में दीदी भी आने वाली कॉल आई है। दीदी चरण वंदना, कब आ रही है फिर? अच्छा परसों नीतू के साथ ही आ जाती है आज ही? हाँ आ जा रही है वो। ओहो कर लेना चाहिए था, इकट्ठे आना था दोनों ने। और क्या, मीनू दीदी भी आ रही है? हाँ दीदी भी आ रही है, पता नहीं परसों कल कब आएगी दीदी? कल आएगी दीदी, सारी फैमिली इकट्ठी हो रही है लक्की भाई और रंजन को छोड़ के। आज बार बार टाइम देख रहा हूँ, नीतू की बड़ी वेट है यार मुझे, क्योंकि वो जब भी आती है सरप्राइज लेके आती है। जैसे पिछली बार मेरे लिए वो एयरपोर्ट्स लेके आई थी बोट अल्फा, इस बार पता नहीं क्या लेके आएगी या नहीं भी लेके आएगी तो भी कोई सीन नहीं है, बट फिर भी बहन के आने की बड़ी ज्यादा खुशी और एक्साइटमेंट होती है यार। आज के दिन अंजन ने भी आना था मेरे भाई ने, लेकिन पता ही आपको कि क्या सीन हुआ, बाजू में लग गई, चला भी गया द्वारा से। इस टाइम आना था उसने, मजे से हमने घूमने फिरने जाना था अपनी बाइक पे, लेकिन सारे के सारे प्लान फेल हो गए। चलो इस टाइम पे नेगेटिविटी हम कुछ बात नहीं करेंगे, अभी हम फोकस करेंगे अपनी बहन के आने का। एक दो दिनों में हमारी बड़ी दीदी के बच्चे भी पहुंचने वाले हैं, वंशिका और आदित्य, तो बड़ा एक्साइटेड हूं उनसे भी मिलने के लिए। चलो जल्दी जल्दी दिन को खत्म करते हैं यार, अभी टाइम 5 बज रहे हैं और मैं बड़ी बेसब्री से अपनी बहन का इंतजार कर रहा हूँ यार। पहुंच गई है फतेहपुर में, बस अभी 1.5 घंटे बाद जो भी बस मिलेगी उसे तो वो पहुंच जाएगी यहाँ पे। डायरेक्ट बस तो नहीं मिलेगी उसे, हमारे यहाँ पे लास्ट बस एक तो जाती है 7 बजे, एक जाती है 3 बजे, और मेरी बाइक भी नहीं है घर में, नहीं तो उसको ले आता मैं जाके। अभी आना पड़ेगा उसको कस्टडी में, क्या कर सकते हैं। तो आज से 7 दिन पहले मैं एजेंसी में अपनी बाइक छोड़ के आया था, उसका भी अपडेट आ गया है, सर्वे वगैरह हो चुका है बाइक का, बस अभी फाइल जो है वो प्रोसेस में जाएगी क्लेम वाली, और बाइक भी बहुत जल्द ठीक होके आपके भाई के पास आ जाएगी। एजेंसी वालों ने तो पार्ट्स वगैरह सारे मंगवा लिए, अब जैसे ही फाइल का क्लेम प्रोसेस शुरू होगा वैसे ही वो बाइक का काम करना शुरू कर देंगे, एंड उसके बाद मजे। रिशु भाई से मिलने का बहुत मन कर रहा है, कैमरा वगैरह से खेले हुए बहुत टाइम हो गया, बहुत मिस करता हूँ उन दिनों को। चौड़ी में जाएंगे तो शूट शाट करके आएंगे एक दो गाने इस बार इकट्ठे, और बाइक ठीक होने के बाद मम्मी को भी घुमाएंगे बाइक पे। कहाँ जाना है मम्मी बोलो जल्दी, जिथे चलेगा चलूंगी नाल तेरे। चलोगे घूमने सच में? मासी मौसी के घर लेके चलूंगा मैं आपको, और तो कहीं जाओगे नहीं आप। दोस्तों अगर एनिमल्स वगैरह रखे हो ना तो घर से निकलना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए मेरा भी निकलना मुश्किल होता है, नहीं तो मैं घर में नहीं रुकने वाला था, तो मम्मी के चक्कर में रुकना पड़ता है मेरे को, या तो मैं ऋषु बाबू के पास होना था, वहाँ पे हमारा जो भी रैप रूप का काम है वो चला रहता है, लेकिन मम्मी के लिए और अपने एनिमल्स के लिए रुकना पड़ता हैवी काम मम्मी से होता नहीं है। 5 minutes later, अभी अपनी बहन को लेने जा रहा हूँ पैदल। एक्चुअली उसको हमारे यहाँ पे एक लिंक्ड रोड है, वहाँ वाली बस मिली है, तो वहाँ से उसको लेके आऊंगा मैं। चलेगा मेरे साथ? देख ले, शर्मा भी रहा है।
तो नित्तू की अभी अभी कॉल आई है, वो बस पहुंचने वाली है और मैं लेट हो गया हूँ काफी ज्यादा। मेरे पास व्हीकल वूकल नहीं है। करण दादा की कॉल आई थी, वो आज दूसरे वाली साइड है। काश वो अपनी शॉप गया होता, आज नित्तू उसके साथ आ जाती पिछली बार की तरह, लेकिन इस बार उसको पैदल लेने जाना पड़ेगा 1.5 किलोमीटर ज्यादा से ज्यादा। 5 minutes later भाई को ज्यादा पैदल नहीं चलना पड़ा। करण भाई आ गया, अभी बस 2 मिनट में पहुंच जाऊंगा मैं नित्तू के पास। करण भाई उतार दिए, अभी मैं अकेला जा रहा हूँ। बेचारी पैदल जा रही थी। यहाँ देख क्या हो गया तेरे को, इतना ड्रामे क्यों कर रही है फिर? बार बार घर आती है इसलिए। बार बार कहाँ आती हूँ भाई, 2-3 दिन बाद। बढ़िया बढ़िया, हाँ तो बार बार ही होता है। और ये भाई अपना, थैंक यू मेरी बहन के साथ आने के लिए। 2 कदम इसे, चल मेरे साथ ही चल पड़ना। चल मैं मोड़ता हूँ इसको। आई एम रियली सॉरी, तेरे को नीचे छोड़ के आते, पर करण भाई की बाइक देनी पड़ेगी। थैंक यू तो बोल, जोर से बोल इधर आगे, बोल भाई थैंक यू। थैंक यू। अपनी बहन को छोड़ के मैं दोबारा से करण भाई के पास पहुंच चुका हूं बाइक लौटाने, और प्लान बना रहे थे कल के स्पेशल व्लॉग का। तो क्या बनने वाला है करण भाई फिर कल? कल बताएंगे पब्लिक को। ठीक है, हम दोनों कर लेते हैं डिसाइड, लेकिन एक सस्पेंस आपको मैं बता देता हूं, कल वो चीज बनने वाली है जो आज तक आपने मेरे चैनल पे कभी नहीं देखी। जो मेरा पुराना सब्सक्राइबर है उन सभी को सारी चीजें पता है कि मैंने क्या क्या बनाया अपने यूट्यूब चैनल पे। A few moments later अभी यार मेरे को पास वाली शॉप पे निकलना पड़ रहा है। एक्चुअली मेरा पार्सल डिलीवर हुआ है थोड़ी देर पहले, तो डिलीवरी बॉय वहाँ पे शॉप पे छोड़ गया है। आया करण भाई मैं 5 मिनट में, ठीक है? यहाँ पे घर गया था यार मेरे घर से दूर, तो भाई कुछ सामान वगैरह ले रहे हैं, आने देते हैं इनको, फिर पकड़ते हैं पार्सल और चलते हैं फिर करण भाई के पास। एंड कल कुकिंग व्लॉग के लिए रेडी रहो। करण भाई भूल गया मैं, सॉरी यार, रियली सॉरी। करण भाई ने कोल्ड ड्रिंक मंगवाई थी यार, दिमाग से निकल गया भाई जल्दी जल्दी। सरप्राइज, नित्तू ने मंगवाया था ना, मेरा नंबर ऐसे बिना मतलब से मत दिया करो, मेरे को एटलीस्ट बता दिया करो ऑर्डर करवाने से पहले, तुम्हें पार्सल का फोन आएगा ऐसा। एक्टिंग नहीं करवाता है, बड़ी खराब है, बता देना चाहिए यार। मेरे को ऐसे रैंडम कॉल आई, भाई आपने पार्सल ऑर्डर किया? मैंने कहा नहीं भाई, मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया। बोला आया नहीं था नाम से? मैंने कहा हाँ हाँ भाई होगा। लिसन, मम्मी ने बोला कि मेरे लिए ऑर्डर करवा, ठीक है? ठीक है। मम्मी को मैंने बोला कि देखो मैं तो वहाँ पे होती, तो मैं कॉलेज में होती, मैं फोन ना उठा पाऊँ, तो मैं भाई का नंबर भर दूँ। मम्मी होते भर दे और ऑर्डर कर दे, तो मेरी गलती की मम्मी की गलती? मम्मी ने आपको इन्फॉर्म नहीं किया यार? मम्मी बोलूँ मैं भी? मैंने उसको बोला कि भाई का नंबर मत देना, जब तुझे कॉल आएगी तो तू भाई को कर देना कॉल। बड़ी खराब है, मेरे को पता ऐसे ही करती है, 2-3 बार हो चुका है इसका। थैंक यू, बट भाई का गुस्सा शांत करने के लिए मेरे को देर से यही उम्मीद थी। देखो, मतलब देखो ये देखो, मैं सचिन नहीं हूँ, लेकिन थैंक यू तुम मेरे लिए ये लेके आयो, खाते हैं यार है, मेरे को गुस्सा वापिस आ गया अभी। क्या ले गया ये यार? ये कॉइन लिखवा लेंगे, मेरे को पता था ये तो ऐसे ही रखा था। और सुनो गाइस, यस मैं छोटी बहन हूँ ना, लेकिन ना मेरे भाई जब भी बात इस बार जाता है ना, मैं कुछ मंगवाती हूँ ना, तो बहन बोले मैं मेरे पास टाइम नहीं था, वो मैं ये कर रहा था वो कर रहा था, और मैं कहीं भी जाऊँ मैं इसके लिए स्पेशली कुछ ना कुछ चाहती हूँ। रेप कर गंदा, मैं ये झूठ बोल रहा इसने, एक्चुअली मेरे को सच में टाइम नहीं लगता। हाँ मतलब मैं भी नहीं हूँ इतना गंदा, ये लीचे तू तो पंजाबी बोल रहा सी गल। और भेने आंदी है मैनू पंजाबी? तो मैंने भी इससे ये नहीं मंगवाया था, मैंने इससे मंगवाया था बन टिक्की, लेकिन वो नहीं लेके आई। पापा की परी है तेरे पंख कहाँ है? परी है पापा की परी, ये बड़े ड्रामे भी बड़े जानती है, ये पापा की परी होने के साथ साथ मैजिक भी जानती है ड्रामे करने का। इसका मुंह नहीं ठीक हुआ है ना अभी तक, दांत निकल रहा है। अच्छा अक्ल दाढ़ आ रही तेरे को अभी? आ रही अक्ल है ना, अभी देख लो 23 साल की उम्र में अक्ल आ रही है बेअकली से लड़के। सच्ची कर ले पुड़ा नहीं तो कैसा लगा मेरा ये फैमिली व्लॉग? आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, नए यूजर चैनल सब्सक्राइब कर लो, और कुकिंग व्लॉग के लिए तैयार रहो, मिलते हैं आपको कुकिंग व्लॉग में। बाय, राधे राधे, हरे कृष्णा, जय शिव शंकर।